तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो को कूल बनाने के लिए देखिए मेरा वीडियो फुल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि बात करने वाला हूँ आज मैं ओनली ऑन 1 MB में आप कैसे PS3 या PS4 के जैसे ग्राफिक्स का गेम को फील कर सकते हो इन PSP एमुलेटर में। जी हाँ दोस्तों, ओनली 1 MB में आपको फील होगा ओनली PS3 या जैसे PS4 में अपन गेम खेलते हैं वैसे ही ग्राफिक्स को आप फील करने वाले हो सिर्फ 1 MB में। दोस्तों ज़्यादा कुछ डाटा यूज नहीं हो रहा है, ओनली 1 MB में। दोस्तों आपको एक फाइल डाउनलोड करनी होगी जिससे आपका गेम है विद बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स का गेम बन जाएगा दोस्तों, और आपको खेलने में बिल्कुल ही इंजॉय आने लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो फुल एंड तक देखिएगा दोस्तों, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो इस वीडियो पर हम लाइक गेम रखते हैं दोस्तों ओनली 101 लाइक्स का। जी हाँ दोस्तों, ओनली 101 लाइक्स का। आई होप आप जल्द ही इस लाइक को कंप्लीट कर दोगे दोस्तों बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो वीडियो फुल भी देखिएगा दोस्तों, कभी वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि ये जो स्टेप बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे यूज करनी है वो सारी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो जी फाइल की है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप कोई भी जैसे PSP के गेम खेलते हो दोस्तों तो उसको उस पर अप्लाई करेगा। तो वो कैसे अप्लाई करोगे मैं इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। जो ये मैंने जो भी फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको दी है 1 MB की, ये ऑल PSP के जो भी गेम होते हैं दोस्तों, चाहे कोई भी हो, चाहे रेसलिंग गेम हो, WWE का गेम हो या अदर कोई भी PSP का गेम हो दोस्तों, उस पर 100% वर्क करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या करते हैं उनके जो ग्राफिक्स होते हैं दोस्तों, उनके शेडोज के जो होती है वो चेंज कर देती है दोस्तों। मैं इसका गेम प्ले भी दिखाऊंगा, तो वीडियो फुल एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों। तो वीडियो पर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना वेस्ट किए टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर जो गेम प्ले देख सकते हो दोस्तों, ये मैंने अपने जो PSP एमुलेटर पर है दोस्तों, ये पहले का गेम प्ले है। ये जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दी है उससे पहले का गेम प्ले है कि पहले का जो WWE 2K19 मैंने मोड बैच है वो कैसे दिखता था, और आफ्टर जब मैंने ये फाइल को इस PSP एमुलेटर पर अप्लाई की तो दोस्तों आप इसके ग्राफिक्स देख सकते हो दोस्तों। अदर इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ग्राफिक्स के, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर आपको ग्राफिक्स चेंज करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। जो इसकी शेडोज है, कलर शेडोज वो चेंज हो रही है बार बार, आप देख सकते हो। बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स आपको PS3 के जैसे ग्राफिक्स मिलने वाले हैं दोस्तों, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी आपको ग्राफिक्स चेंज करने का दोस्तों। आपको फील होने वाला है PS3 लाइक PS4 के ग्राफिक्स दोस्तों, और ये कैसे करना है दोस्तों मैं वीडियो में बताऊँगा। तो आप ग्राफिक्स देख सकते हो दोस्तों, आप अदर जैसे मैं आपको हर एक अप्लाई करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसके ग्राफिक्स आप हर एक मोड को अप्लाई कर सकते हो। तो बताता हूँ दोस्तों कैसे क्या चीज़ करना है। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है जेड आर्काइवर, उसे ओपन कर लीजिएगा। फिर एक फोल्डर मिलेगा आपको जो डाउनलोड किया है, उसको एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर लेना, डिवाइस मेमोरी में चले जाना और PSP के फोल्डर में चले जाना, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है या एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने से पहले मांगेगा पासवर्ड, पासवर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हो या मैं बता भी देता हूं, ओनली फॉर कैप वर्ड है SET HD। जी हाँ दोस्तों, ओनली फॉर कैप वर्ड SET HD आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, और आप इसको एक्सट्रैक्ट होने दीजिएगा बिल्कुल स्मूथली, आपका 1 सेकंड के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, अपने PSP का एमुलेटर ओपन करना है दोस्तों, और आप जो भी गेम खेल रहे हो उसके मतलब उसको प्ले कर लेना, और सेटिंग्स में चले जाना, और आप यहाँ पर देखिए पोस्ट प्रोसेसिंग शेडर। जी हाँ दोस्तों, ये आपको एक मतलब एक आपको ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो शेडर है, जो बैकग्राउंड है या फिर इसका कलर मान सकते हो, आपका ग्राफिक सेटिंग्स मान सकते हो दोस्तों, ये चेंज हो जाएगी। और इसमें डिफरेंट शेडर्स दिए हुए हैं दोस्तों, और डिफरेंट शेडर का डिफरेंट लुक मिलने वाला है आपको दोस्तों, यानी उसके जो बैकग्राउंड है मतलब अराउंडिंग सारा जो ग्राफिक्स है वो चेंज हो जाएगा, यानी कलरफुल हो जाएगा, अलग अलग लुक मिलने वाले, और आपको काफ़ी शेडर्स मिलने वाले है दोस्तों। हर एक शेडर का हर एक लुक मिलेगा दोस्तों, विद नया लुक मिलेगा दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स का लुक मिलेगा,
होगा और आप मतलब इस ऑयल को हर एक को अप्लाई करके देख सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे। मेरे हिसाब से सभी बेस्ट रहेंगे और जो भी आपके हिसाब से कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको अच्छा PS3 PS4 की तरह लाइक ये आप ये वाला भी सेटर देख सकते हो दोस्तों, जो कि एकदम बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स का गेम फील होने लग रहा है दोस्तों। तो आप ऐसे इन सभी को यूज करके दोस्तों PS3 या PS4 का ग्राफिक्स के जैसा को फील कर सकते हो दोस्तों। तो ये कुछ प्रोसेसिंग थी दोस्तों, आप इसको अप्लाई करके आराम से PS3 के गेम आप वर्क कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ स्टेप थी और ये कुछ एप्लीकेशन है, तो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो पर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक एम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जल्द ही हमें न्यू ईयर से पहले 5K सब्सक्राइबर का अचीवमेंट जो कि टारगेट है वो हमें फुल करना है। तो दोस्तों जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैं मिलूंगा एक और नई विद बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स गेम के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून।